मैंने कभी स्टेयरिंग को पकड़ा भी नहीं था, मैंने कभी ड्राइव नहीं की थी। मेरा टेस्ट चल रहा था तो मुझे हॉर्न भी पड़ा था। तो एक हंसी वाली बात बताती हूँ कि गर्दन को तो भाई ऐसे ऐसे ऐसे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कैसे अपना G2 लाइसेंस फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया। और ये मेरे लिए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लूँगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी। बट बहुत ज़्यादा चीज़ें मुझे हेल्पफुल हुई, और वो टिप्स मैं आपको भी देना चाहती हूँ, जो अगर आप फॉलो करोगे तो आपका भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस। सो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले इंस्ट्रक्टर की बात कर लेते हैं। तो मैंने भी इंस्ट्रक्टर को अपॉइंट किया था, तो वो इंस्ट्रक्टर बहुत ज़्यादा अच्छे थे, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था उनको। इवन मेरे हस्बैंड ने भी अपना लाइसेंस के लिए उनसे ही क्लासेस ली थी, तो मैंने अप्रॉक्सीमेटली 6 to 7 क्लासेस ही उनसे ली थी। और सबसे पहले यही बोलना चाहूँगी कि इंस्ट्रक्टर चूज़ करते हुए बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। ऐसा नहीं है, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट होता है कि ये मुझे सही से नहीं बता रहे, तो आप चेंज कर सकते हो, अपने पैसे बर्बाद मत करना। क्योंकि मेरे हस्बैंड के साथ हुआ था, उन्होंने सबसे पहले किसी और इंस्ट्रक्टर के साथ जो है क्लासेस ली थी, बट वो जैसे फ़ोन पे लगे रहते थे, वो प्रॉपर ध्यान नहीं देते थे। बट जो ये इंस्ट्रक्टर थे ये बहुत ज़्यादा सही थे, इवन ये फ़ोन को टच भी नहीं करते थे जब वो क्लासेस देते थे। तो इंस्ट्रक्टर का सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जो आपको बहुत ज़्यादा पुश करे कि हाँ आप कर सकते हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। इवन जब मैंने फर्स्ट क्लास उनके साथ लगाई थी, तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी, क्योंकि मैंने कभी स्टेयरिंग को पकड़ा भी नहीं था, मैंने कभी ड्राइव नहीं की थी। बट उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे से हेल्प की, मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि आप कर सकते हो, आप चला लोगे गाड़ी, टेंशन मत लो। सो वो मुझे, मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा थोड़ा बिल्डअप होता गया। तो ये बहुत ज़्यादा सही रहता है कि कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए, विदाउट कॉन्फिडेंस आप गाड़ी नहीं चला सकते। अगर आपको थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस है तो आपका वो आगे आगे इंक्रीज होता जाएगा। बट खुद वो कॉन्फिडेंस आपको खुद में ही लाना पड़ेगा, ऐसा नहीं कोई और लाएगा, बट आपको खुद से ही सोचना पड़ेगा कि हाँ मैं गाड़ी चला लूँगी, कुछ नहीं होता, मैं गाड़ी चला सकती हूँ। सो या कॉन्फिडेंस जरूर रखना। सो अब मैं एक बात बोलूँगी जो मेरे इंस्ट्रक्टर ने मुझे बोली थी, कि सबसे पहले हम आपका टेस्ट बुक करवाएंगे, तो उसके बाद ही मैं क्लासेस देना स्टार्ट करूँगा। सो मैंने उनको बोला कि अभी तो मैंने कोई एक भी क्लास नहीं लगाई, तो मुझे नहीं लगता कि मैं पहले टेस्ट बुक करना सही रहेगा। तो वो बोले कि नहीं, अगर टेस्ट आप बुक कर लोगे, इवन आपको टेंशन तो रहेगी कि हाँ मैंने टेस्ट देना है, आप ज़्यादा ध्यान दे पाओगे ड्राइविंग के तरफ, और आप ज़्यादा अपने आप को ज़्यादा पुश करोगे कि हाँ मेरा टेस्ट आ रहा है तो मुझे क्लियर करना है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, आप सबसे पहले, मैं हर एक बच्चे का सबसे पहले टेस्ट ही बुक करवाता हूँ। तो वो बहुत सही रहा मेरे लिए। और एक बात और बोल दूँ कि यहाँ पे जो होता है, मे बी 48 आवर्स शायद, कि आप अपना रिस्केड्यूल कर सकते हो अपना टेस्ट को, तो उसकी भी टेंशन नहीं होती। अगर आपकी तैयारी नहीं हुई उससे पहले, तो आप रिस्केड्यूल कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट पहले टेस्ट आप बुक करवा सकते हो, वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो नेक्स्ट आ जाता है, जब आप ड्राइविंग टेस्ट दे रहे हो तो सिर्फ ड्राइविंग ही ज़रूरी नहीं होती। इन कैनेडा रूल्स बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, सिर्फ ड्राइविंग का आना ज़रूरी नहीं है। इवन अगर आप ड्राइव सही कर रहे हो बट आप रूल्स को नहीं फॉलो कर रहे प्रॉपरली, तो आप फेल हो सकते हो। तो उसके लिए मैंने क्या किया था, मैंने बहुत ज़्यादा यूट्यूब वीडियोज़ देखी थी, मैंने बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट देखे थे। यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा वीडियोज़ अवेलेबल हैं, बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट अवेलेबल है, आप देख सकते हो। जैसे वो पास करते हैं टेस्ट को, तो आप देखोगे कि क्या क्या चीज़ें उन्होंने की जिसकी वजह से उनको पास कर दिया, और क्यों वो फेल हुए, तो उन्होंने कौन सी चीज़ें नहीं की जिसकी वजह से वो फेल हो गए। सो YouTube पे बहुत ज़्यादा वीडियोस हैं, आप ज़रूर देखना और रूल्स के बारे में ज़रूर पढ़ना। क्योंकि ऐसा होता है कि जीवन हम काफ़ी टाइम पहले दे चुके होते हैं, तो हमें नहीं याद रहता कि क्या क्या रूल्स थे, तो हम थोड़ा सा, हमारा धुंधला सा हो जाता है दिमाग में सब कुछ। तो आप रूल्स ज़रूर देखना कि क्या क्या फॉलो करना चाहिए, क्योंकि इंस्ट्रक्टर आपको ज़रूर बताएंगे कि हाँ ये रूल्स आप देखना, बट खुद से भी आप प्रिपेयर रहना। थ्रेटिकल नॉलेज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कहाँ पे सिग्नल आ रहा है, इस सिग्नल का क्या मतलब है। क्योंकि ये लगा लो कि आपका इंस्ट्रक्टर ने कोई एक सिग्नल के बारे में आपको नहीं बताया, और वही सिग्नल आपके टेस्ट में आ गया, तो प्रॉब्लम होएगी। तो सिग्नल्स का पढ़ के जाना सारा कुछ।
तो मुझे पार्किंग का यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा रहता था कि पार्किंग में मैं कोई गलती ना कर दूँ, रिवर्स और फ्रंट पार्किंग में। इवन मेरी ज़्यादा प्रैक्टिस भी नहीं हो पाई थी तो मुझे थोड़ी ज़्यादा टेंशन थी। बट मेरे हस्बैंड ने मुझे काफ़ी ज़्यादा नॉलेज दी कि ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। अगर आपका भी कोई फ्रेंड सर्कल में है, आपका रिलेटिव है, उससे भी आप सीख सकते हो। अगर उनको एक्सपीरियंस है ड्राइविंग में तो भी क्या क्या सही रहता है। सो अब मैं आपको ना अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस क्या हुआ था, मैंने कहाँ पे टेस्ट दिया था और क्या क्या उस दिन हुआ था, और मुझे क्यों लग रहा था कि मैं फ़ेल हो जाऊँगी। और उस दिन भी टेस्ट देने के टाइम भी मुझे लग रहा था कि भाई मैं तो फ़ेल हूँ, मुझे तो फ़ेल ही करेगा ये, और वो मुझे क्यों लग रहा था तो सब कुछ मैं बताती हूँ आपको। सो मेरे इंस्ट्रक्टर ने मुझे 3-4 ऑप्शंस दिए थे टेस्ट देने के लिए कि आप इस लोकेशन पे टेस्ट दे सकते हो जहाँ पे चांसेस ज़्यादा होते हैं क्लियर करने के, बिकॉज़ वहाँ पे ट्रैफिक थोड़ी कम होती है एज़ कम्पेयर टू ब्रैम्पटन। जैसे उन्होंने मुझे गल्फ़ बोला था, हैमिल्टन बोला था, एक दो और लोकेशन भी बोली थी, तो मैंने हैमिल्टन चूज़ किया था क्योंकि वो ब्रैम्पटन से ज़्यादा दूर नहीं है। तो टेस्ट वाले दिन क्या हुआ था कि नॉर्मली हैमिल्टन में इतनी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होती, बट उस दिन एक्सीडेंट हो रखा था मेरा, बैड लक। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड था, तो मेरा इंस्ट्रक्टर के साथ ही मैं गई थी वहाँ पे टेस्ट देने। और हाँ, मैं बोलूँगी कि कभी भी ऐसे मत सोचना कि मेरे भाई के पास गाड़ी है, मेरे फ्रेंड के पास गाड़ी है, मेरे रिलेटिव के पास गाड़ी है तो उसमें मैं चले जाता हूँ या चली जाती हूँ टेस्ट देने के लिए। बट एक पॉजिटिव पॉइंट ये होता है, जब आप इंस्ट्रक्टर के साथ जाते हो तो साइड में उनके पास ब्रेक्स वगैरह होती हैं, तो जो आपका एग्जामिनर होता है उसको थोड़ी सी टेंशन कम रहती है कि अगर इसने सही नहीं चलाई या कुछ भी ऐसा हुआ तो मैं ब्रेक लगा सकता हूँ, तो वो थोड़ा सेफ फील करते हैं, है ना। तो इसलिए आप ट्राई करना कि इंस्ट्रक्टर की गाड़ी में ही जाओ टेस्ट देने के लिए। सो क्या हुआ, जब मैं टेस्ट देने गई तो मेरे इंस्ट्रक्टर बोले कि मैं पहले भी इस लोकेशन पे आता हूँ बट बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होती, बट आज ट्रैफिक है ड्यू टू एक्सीडेंट। तो मैंने बोला भाई बैड लक है। तो उसके बाद जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं तो वो करके हमने पार्किंग में हमारी गाड़ी खड़ी थी, तो मैं एग्जामिनर की वेट कर रही थी, बट मेरी धड़कन बढ़ती जा रही थी लोगों को देख के जो भी टेस्ट देकर आ रहे थे। कईयों के मुंह लटके हुए थे कि वो फेल हो गए हैं, कई खुश थे कि पास हो गए हैं। तो मैं यही बोली जा रही थी इंस्ट्रक्टर को कि मेरी टर्न कब आएगी, तो लगा लो हाफ एन आवर के बाद मेरी टर्न आई थी। तो उसके बाद मेरे से काफ़ी गलतियां भी हुई थी जिसकी वजह से मुझे लग रहा था कि मैं फ़ेल हो जाऊंगी। तो एक हंसी वाली बात बताती हूँ कि हैंड ब्रेक का आप ज़रूर ध्यान रखना, कि हैंड ब्रेक का भी ज़रूर लगाना जब पार्किंग में लगाते हो गाड़ी, साइड पे पार्क करते हो, पैरेलल पार्किंग करते हो, कोई भी पार्किंग करते हो, तो हैंड ब्रेक ज़रूर लगानी है। तो मैंने अपने इंस्ट्रक्टर को बोला था कि मुझे हैंड ब्रेक का बता दो, क्योंकि मैंने एक मॉक टेस्ट में देखा था कि हैंड ब्रेक लगानी होती है। तो मेरे इंस्ट्रक्टर बोलते कि उनको बोल देना अपने एग्जामिनर को कि ये ऑटोमेटिक है, अपने आप लग जाती है हैंड ब्रेक। तो जब मैंने पार्किंग वहाँ पे लगाई तो मैंने हैंड ब्रेक नहीं लगाई, तो मुझे मेरा एग्जामिनर बोल रहे थे कि आपने हैंड ब्रेक नहीं लगाई। तो मैंने उनको बोला इट्स ऑटोमेटिक, तो वो बोले कि नो इट्स नॉट ऑटोमेटिक। तो मुझे हंसी आ गई, तो मैंने उनको बोला कि एक्चुअली मेरी इंस्ट्रक्टर की गाड़ी है तो मुझे लगा कि ऑटोमेटिक होगी। तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला, तो मैंने बोला लो जी एक गलती तो यहीं पर हो गई। तो उसके बाद जब हम चला रहे थे, जो मेरा टेस्ट चल रहा था, तो मुझे हॉर्न भी पड़ा था, बट मेरी मिस्टेक नहीं थी, वो पर्सन जगह मांग रहा था। तो बट मेरे पास खुद के पास जगह नहीं थी क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो रखी थी, तो मैं उसको स्पेस नहीं दे पा रही थी। तो इसकी वजह से उसने हॉर्न मारा कि तू स्पेस क्यों नहीं दे रही, बट उसको ये नहीं दिखा कि मेरे पास स्पेस है ही नहीं तुझे देने के लिए। तो वो लाइन मर्ज करना चाहता था एक्चुअली, तो लाइन मर्ज करने के लिए स्पेस भी तो होनी चाहिए। तो मुझे जब हॉर्न पड़ा तो मैंने सुना हुआ था कि जब हॉर्न लगता है तो आप तो फेल हो भाई। तो आई डोंट नो वाई एग्जामिनर को क्या सही लगा, बट उसने हॉर्न का मुझे फेल नहीं किया। एक दो गलती ही हुई थी, ज़्यादा नहीं हुई थी, जो मुझे लगता कि ये गलती थी, बाकी सब सही था। तो जो जो भी था सब उन्होंने मुझे करवा के देखा, सब पैरेलल पार्किंग भी करवा के देखी उन्होंने, यू टर्न भी करवा के देखा, थ्री पॉइंट टर्न भी करवा के देखा, साइड पार्किंग करवा के देखी, जो भी होता है सभी करवा के देखा। सो एंड में उन्होंने मुझसे रिवर्स पार्किंग लगवाई थी, तो मैंने लगा दी थी। इवन वो इतना एग्जामिनर पे भी डिपेंड करता है, वो सही थे, मतलब काफ़ी अच्छे उनका मूड लगा। और जब उन्होंने मुझे बोला कि आप पास हो, यू क्लियर द टेस्ट, तो बस मैंने उनको बोला कि गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, क्योंकि मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि मैं पास हो जाऊंगी। तो उन्होंने बोला कि नहीं आपने सही किया, दैट्स वाई यू आर पास।
तो यार मेरा बहुत सही रहा था टेस्ट। मैं नर्वस थी, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैंने क्लियर कर लिया है। तो आप भी क्लियर कर सकते हो, बट रोज ध्यान रखना गर्दन को। तो भाई ऐसे 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 गर्दन को तो ऐसे घुमाना है ना कि पूछो ही मत। गर्दन बहुत घुमानी होती है आपको, बार बार देखना है, मिरर्स देखने पड़ेंगे। तो वो बहुत ज़्यादा मेजर वो मानते हैं कि हाँ बंदा एक्टिव है। एक्टिव एक्टिवनेस दिखानी है आपने कि आप एक्टिव हो। अगर आप एक बात ध्यान रखना, अगर आपसे कोई गलती भी होएगी ना तो आप एक्सेप्ट करना। जैसे मेरी हैंड ब्रेक की मैंने आपको बताया, तो मैंने एक्सेप्ट किया कि हाँ भी मुझे नहीं पता था, बट आई एम सॉरी, भी मैं आगे से ध्यान रखूंगी। सो सब नॉर्मली रहना। सो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना तो आपका टेस्ट जरूर क्लियर होएगा। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं रिप्लाई कर दूंगी। कोई भी आप इन्फॉर्मेशन चाहते हो मैं बता दूंगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी सही लगी, हेल्पफुल लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना, सब्सक्राइब करना इस चैनल को। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।